नमस्ते शार्क्स, मैं आयान हूँ और मैं कटिदन का फाउंडर हूँ। कटिदन में हमने एक परावृक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर्ड ऑटोनॉमस लाइट डिटरेंट सॉल्यूशन, जो ऑटोमेटिकली जैसे सनसेट हो जाता है ऑन हो जाएगा और पूरी रात अलग अलग पैटर्न में चमकेगा और सनराइज होते ही ऑफ हो जाएगा। तो जानवरों को ये चमकने के पैटर्न से देख के डर लगता है और वो उस खेत में नहीं आते। कटिदन ने अभी तक 1300 फार्म्स और एग्रीकल्चर लैंड्स में भारत में जानवरों से बचाया है। इसके अलावा हम बंदरों को दूर करने के लिए साधारण में एक बायोअकॉस्टिक साउंड सिस्टम भी बना रहे हैं और एक AI पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारी आस्क आपसे 1.5 करोड़ की है फॉर 2.5% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, अब किसान भी खुश रहेंगे और जानवर तो अपने मौज में ही है। प्रोडक्ट के बारे में और बताइए। तो ये परावृक्ष है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये मेजरली हमने किसानों के लिए बनाया है टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि किसान इसको खुद इंस्टॉल कर सके। और इस पे एक लाइट सेंसर है, जैसे ही सन सेट हो जाता है ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। Right. ये चारों LED अलग अलग पैटर्न्स में फ्लैश करेंगे। We have programmed it such a way that they don't repeat. Why they should not repeat is because animals should not get used to it. हमने यहाँ पे एक मोशन सेंसर नहीं डाला बिकॉज मोशन सेंसर में क्या होता है, एनिमल को पास में आना पड़ता है, तो जब वो पास आता है देयर आर चांसेस कि उसको पता चल जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज ऑल द लॉजिक वी हैव एडेड इन दिस विद अ वेरी बिहेवियरल डिजाइन अप्रोच। काफी एरियाज में जैसे कर्नाटका में 3 साल से यूज हो रहा है और हाथी बिल्कुल आना बंद कर दिया। एक्चुअली इसका टेक्नोलॉजी इज नॉट द फ्लैशिंग, इट इज अ डिजाइन। मतलब जो आप ऐसे इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, दिखा दो थोड़ा, आप पास ले आओ या पास ले आओ या हम आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ फेस एंड टू आईज। ओह, टू आईज, अच्छा ऐसे लग रहा है ये फेस एंड टू आईज। तो उनको लगता है कि ऊपर एक बड़ा उनसे जानवर। यस यस, राइट, दैट्स व्हाई डिफरेंट हाइट्स। एग्जैक्टली, ये बेसिकली एक छोटा सा हमने सिस्टम बनाया, इसमें मोशन सेंसर है। तो ये क्या करता है, बिकॉज आई एम मूविंग माई हैंड, तो आवाज क्या निकाल रहा है इसके अंदर, है ना, अलग अलग आवाज डाले, कुत्तों की आवाज, लेपर्ड ग्राउल, टाइगर ग्राउल, देन गनशॉट वूंड्स, क्रैकर बर्स। ये मेजरली हमने बंदरों के लिए बनाया है क्योंकि मंकीज आर स्केर्ड ऑफ लेपर्ड्स, टाइगर्स एंड गन शॉट्स वगैरह, तो उस हिसाब से। एंड द होल पॉइंट इज एनिमल शुड कम इन अ रेंज ऑफ 12 to 15 feet। ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है बट ये अभी लॉन्च किया है। ये एक्चुअली छोटा वर्जन हमने बनाया है क्योंकि प्राइस को कम करने के लिए। अभी तक हमने ग्रॉस 1.8 किया है इस साल, नहीं इस साल नहीं, टोटल लाइफटाइम। हमने प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च किया। ईयर वाइज बताओ, 2020 से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर हमारा 12 लाख था, सेकंड ईयर 18 लाख, तीसरा साल वाज लास्ट ईयर 60 लाख। अरे वाह, इस साल प्रोजेक्शन इज 1.5। और अभी तक कितना हो गया ये साल में? अभी तक 18 हो गया है। 18 हो गया है, नहीं अभी बताता हूँ, रिसीवेबल्स 53 है। समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्या हो रहा है। ऑल्दो द प्रोडक्ट एंड यूजर इज अ फार्मर, मेजरली है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, तो उसमें B2G and B2B है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक साथ है ना क्यूमुलेटिव ऑर्डर आता है। जो भी फार्म इंटेलिजेंस में या भारत एग्री जैसी जो कंपनीज हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो ये क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगा, इट टुक मी ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि ये चीज है ना ऑन द इन द फार्म लैंड वी विल हैव टू ऑब्जर्व द एनिमल बिहेवियर, जो लगता है 6 to 8 months। मेरे को लगता है कि अभी आपका बिजनेस जिस स्केल पे है उसके लिए तो बिल्कुल ये वैल्यूएशन लॉजिकली नहीं है, और दूसरा मॉडल अभी पता ही नहीं, अभी उसका तो आपने यूज केस भी नहीं पता और बना भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए वहां पे मेरे लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूं। एक इन्वेस्टर के लिए फिगर आउट करना कि ये एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इस पे बेट नहीं ले पाऊंगी आपके साथ, स्पेशली एट अ 60 करोड़ वैल्यूएशन। सो फॉर दैट रीजन प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस और कमर्शियल एक्यूमेंट। जो भी मैं कोशिश कर रहा था कहीं से आपके लिए कुछ डील बनाए वो समझ के, वो कहीं जोड़ ही नहीं आ रहा है, कहीं इसमें मिसिंग पीसेस है स्टोरी की, और उससे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे वापस कैसे बनेंगे, रिटर्न क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगा। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ रहा है। मेरा प्रपोजल है कि मैं आपको 75 लाख दूंगा एज इक्विटी 5% के अगेंस्ट, उसके साथ साथ मैं आपको 75 लाख दूंगा डेट पे 10% इंटरेस्ट पर, 3 साल की टेन्योर के लिए है। ये जो डेट है ये क्रेडिट लाइन है, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े पैसे आप ड्रॉ डाउन करिए और तब इंटरेस्ट दीजिए, जब आपको जरूरत नहीं है तब अगर आप ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहे।
थोड़ी तो खुशी दिखाओ दोस्त, आपको लग रहा था अभी डील नहीं होगी। थैंक यू, अ डील पक्की। ऑलराइट, गुड चॉइस, वेरी गुड डिसीजन। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। इंडिगिफ्ट्स न्यू एज इंडिया का गिफ्टिंग ब्रांड है, जहां हम बनाते हैं हर उपहार त्योहार और स्वैग और संस्कार के साथ। हम एक गिफ्टिंग कंपनी ही नहीं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जरिया भी है। माँ की रसोई में अगर एक मम्मी द ढाबा किचन प्लेट दिखता है तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही होती है। चीन राखी से उगे पौधे, बहन के प्यार से उगे से बहुत अच्छी मुस्कुराहट आती है। और अमन, अगर नाराज है प्रिया तो सिर्फ फ्लावर्स नहीं, इंडी गिफ्ट्स की पत्नी चालीसा पढ़े और ये मंत्र याद रखे, इफ करना बट कर, बीवी कहे जो झट कर। इसके बाद आपके सुखी जीवन की गारंटी हमारी। साल 2017 से जो हमारी जर्नी की शुरुआत जयपुर से हुई, अब वो देश के घर घर तक पहुंच रही है। अब तक हम लोग 20 लाख से ज्यादा चेहरों पर मुस्कुराहट ला चुके हैं। हम लोग सारे लीडिंग मार्केट प्लेसेस के साथ साथ अब अपनी वेबसाइट indigifts.in पर भी उपलब्ध हैं। हम इंडीगिफ्ट को एक ओमनी चैनल गिफ्ट टेक कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हमारी आज के 50 लाख रुपीज फॉर 2% इक्विटी। शाक्स, क्या आप तैयार हैं? इंडी के साथ इंडिया का स्वैग और संस्कार हर घर तक पहुंचाने के लिए। क्या बात है? बिजनेस पे चलते हैं। तो हम लोग का अब तक लाइफ टाइम रेवेन्यू लगभग 45 करोड़ के आसपास का रहा है। 45 करोड़? वाह!10 करोड़ की ट्रेजेक्टरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। एक बात बताइए, प्रॉफिट है आपका बिजनेस में? प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल बिजनेस ही हमने हमेशा से रन किया है। लास्ट ईयर का हमारा 7.5% EBITDA था और 5% नेट प्रॉफिट रहा है। इस बार मैंने क्लियरली अपना एक मार्केशन सेट कर रहा है कि 10% EBITDA से कम में मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। तो 1 करोड़ रुपया निकाल लोगे इस साल? हाँ सर। आज के दिन में आपके पास टोटल कितने SKUs हैं? 5000 के आसपास में हमारे अभी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ऑनलाइन कितना बिकता है और ऑफलाइन कितना बिकता है आपका? ऑफलाइन अभी हम लोग इस क्वार्टर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम ऑफलाइन नहीं सेल कर रहे थे हमने, बट अलग अलग जगह चीजें टेस्ट करके देखी है। ऑनलाइन के अंदर में कौन से चैनल सबसे ज्यादा है आपके? 60-70% सेल अमेजोन और फ्लिपकार्ट। क्या रेटिंग है आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में एवरेज? अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हम लोग के 3.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज है और 4.5 out of 5 रेटिंग। मैंने डिसीजन ले लिया, आई थिंक यू गाइस आर ग्रेट फाउंडर्स फॉर श्योर। 10 करोड़ का बिजनेस विदाउट एनी फंडिंग, क्रिएटिविटी इज वेरी हाई एंड ह्यूमिलिटी इज आल्सो वेरी हाई। इट इज अ वेरी एग्जीक्यूशन हैवी बिजनेस, अगर बड़ा बनाना है कंपटीशन इज हाई। आज मैं इससे बाहर हूं, अभी आप थोड़ी सी टीम भी बना लो, थोड़ा फंड रेज कर लो, देन वी शुड मीट अगेन, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष। 25 लाख रुपए इन इक्विटी फॉर 2% प्लस 25 लाख इन डेट जो एट 12% फॉर अ 3-year tenure। मैंने ना यहाँ पे ना आपके लिए ऑफर बनाया था, बट वो ऑफर ना इससे खराब है, इन्हीं के ऑफर पे आप जाओ, क्योंकि मैं वो लड़ाई और मैच पे जाना नहीं चाहता। विनीता, अगर हम साथ करना चाहें, मैं ये डील को आपके साथ आधे पे स्प्लिट करने को तैयार हूँ। तो डेट हटा देंगे एंड जॉइंट डील दे देते हैं। बिल्कुल, वी कैन डू इक्विटी इक्वल 25 लाख, 2-2% हम दोनों, बिकॉज ऑब्वियसली हमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए 2% भी नहीं ओनरशिप होगी तो वर्थ वाइल नहीं। हमारा आपको एक काउंटर ऑफर है। नहीं, दीजिए भी मत। सच्ची बहुत रिच वैल्यूएशन है, बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, फर्स्ट फंडिंग है। हाँ या ना? मैं बोल रही हूँ हाँ बोल दीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट। Sharks, deal pakki. Very nice. यार मैं ये ले जा रहा हूँ, पत्नी 40 आज जाके पत्नी को दे दूंगा। पीयूष तेरे लिए ये लाया है। Vaisa Blue एक ऐसी अपैरल कंपनी है जो फन वाइब्रेंट प्रिंट्स और कलर्स में आउटफिट्स बनाता है दैट ड्राइव योर ब्लूज अवे। हमारे मदर डॉटर ब्रांड
8 साल पहले एक क्राइसिस से शुरू हुई थी। हमें बिजनेस या फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे स्टिचिंग के पैशन और श्वेता के डिजाइनिंग का टैलेंट लेके हमने वॉइस ऑफ ब्लू शुरू किया। हमारी ये कंपनी हमारे लिविंग रूम के कोने से स्टार्ट हुई थी, लेकिन टुडे हम बहुत प्राउड है कि कुछ ही दिन पहले हमने हमारी पहली फ्लैगशिप स्टोर मुंबई में लॉन्च की। शार्क्स, हम चाहते हैं कि हम आपके वार्डरोब में एक कलरफुल मेकओवर लाए एंड सस्टेनेबल फैशन की जो बोरिंग इमेज है वो चेंज करें, बिकॉज स्लो फैशन कैन बी फन टू। इसलिए हमारे आस्क है 75 लाख फॉर 3% इक्विटी। सो शार्क्स, जब भी आप फील करें ब्लू, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई सो ब्लू। Vinita, do you like this as a fashion? So, Aman, the concept ye upar niche wala is like good home lounge wear. But this is lounge wear, not fashion wear. Thank you so much. But quads log bahar pehnte hain. Jo aap ghar pe pehnte ho, main to matlab usko lounge wear. Jo lounge wear bahar pehnne ka bahut bada trend aa gaya hai. But this is not bahar pehnne ka, it's more home. Nahi, aajkal aise quads log bahar pehnte hain. Quads bahar pehnte hain. ऐसे क्वार्ट्ज बाहर पहनते का क्वेश्चन दैट इज पर्सनल, बट ऐसा ये मुझे घर पे पहनने का, दिस इज समथिंग आई वुड वेयर। ये बाहर पहनने का ही कपड़ा है, दिस इज नॉट घर पे पहनने का। वेदर यू लाइक द फैशन और नॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी। क्या आपका फैशन सेंस ये इसको फैशन बोलेगा, हां या ना? मैं नहीं पहनूंगी ये, बिकॉज मैं ऐसे एथनिक प्रिंट्स नहीं पहनती हूं। दिस इज प्योर मटेरियल। ये क्या है? ऑल कॉटन, प्योर कॉटन। या टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे ऑफिस फ्लोर पे काफी लोग हैं, मतलब अबव 500। मैंने यूजुअली ये फैशन अभी ऑब्जर्व नहीं किया है ऑफिस में। क्वाड इज अ बिग ट्रेंड अभी, आई थिंक लास्ट 2 इयर्स एटलीस्ट 1 ईयर में क्वाड का पिकअप बहुत ज्यादा है। आई थिंक इज कॉटन क्वाड अ बिग ट्रेंड? सॉरी, कॉटन क्वाड इज अ बिग ट्रेंड। क्वाड इज अ बिग ट्रेंड, इवन कॉटन, इवन कॉटन। जस्ट कैन आई फिनिश? Quad is a big trend. Yeah. Cotton quad to wear outdoor, is it a big trend? Because it crushes. It crushes, but अगर आप polyester और cotton में compare करें, cotton आपके skin को a lot of people irritate भी नहीं करता है, you don't feel hot, and हम tropical climate में हैं, तो ये actually हमारे climate के लिए ही बनी है, so the comfort is way more. कितने पे बेचती हैं ये? तो जो quads है around 5000 to 5500 के range के हैं, and dresses range from 3500 to 6500 के आसपास. 5000 seems very expensive for cotton quad. आप लास्ट 2-3 साल की सेल बताओ। हमारा 3 साल पहले सेल था 1.15 CR। वाओ। ये साल हमने क्लोज किया 1.95 CR। अभी ईयर टू डेट हमने 3 करोड़ क्रॉस कर लिया। वाओ। तो फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट करते हैं आप? वी विल डू अराउंड 7.5 to 8 crores दिस ईयर। वी विल ग्रो 4 times दिस ईयर। या, वी हैव ऑलरेडी डन 3 एंड वी एंटीसिपेट। क्या, व्हाट इज, कैसे हो रहा है, व्हाट इज फ्यूलिंग दिस? सो एक्चुअली हमने लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था, दे वर हैंडलिंग इट, लेकिन फेब में रियलाइज हुआ कि वो पोटेंशियल जो हमें लग रहा था वो नहीं दिया, तो मैं आई लेट देम गो। वेरी गुड। एंड फिर मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग खुद लिया। थोड़ा 2-3 चीजें बताएंगी आपने अलग क्या किया एजेंसी से? आई थिंक एक था कंटेंट लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, द कैप्शन कॉपी। आई थिंक बिकॉज हम खुद बेच रहे थे, आई थिंक हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग उन्हें क्या सुनना है हमसे, तो एक तो वो चेंज हुआ। एंड आई थिंक हम ज्यादा हैंड्स ऑन थे इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या पुश करना चाहिए, किधर एम्फेसिस होना चाहिए, जो उनको शायद आई बिलीव उतना समझ में नहीं आ रहा था। आपका 3 साल आगे का क्या प्लान है? 27 तक आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं बिजनेस को? सो हमारा प्लान है दिस ईयर 7.5-8 तक होगा, नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे 20 तक हमें पहुँचना है, सो उसके बाद 45 and 100 हमने इधर तक मैप कर लिया है कि हमें करना है। मैं अभी आउट हूँ क्योंकि मुझे ये फैशन नहीं समझ आ रहा। मैं अगर आपके साथ जुड़ गया ना तो मैं आपके डिजाइन ही चेंज कराता रह जाऊंगा और आप मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट रीजन कीप योर लाइफ सिंपल, आई एम आउट। थैंक यू। इसमें स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी एंड दूसरा जो प्राइसिंग है 5000 एक अफोर्डेबिलिटी चैलेंज बन जाएगा। एज ऑफ नाउ स्केल एंड इन्वेस्टेबिलिटी का इशू लग रहा है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ओके। अभी मैं इससे बाहर हूँ प्योरली बिकॉज आई थिंक यू नीड टू कीप डूइंग ट्रायल, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्टेज फॉर योर बिजनेस। थैंक यू। मेरा ऑफर आपके लिए है कि मैं आपकी कंपनी में 40 लाख का इक्विटी निवेश करना चाहता हूँ 3% ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट, और उसके साथ साथ 35 लाख का डेट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए आपको मदद करेगा, और ये होगा 10% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। ओके। तो ये मेरा आपके लिए ऑफर है। गुड ऑफर।
डील पक्की। कांग्रेचुलेशंस। वेरी क्विक डिसीजन मेकिंग। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।